अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नए लेसन के साथ लेसन 8 है 3D Max का, और इसमें आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करनी है, मेन चीज़ है मॉडलिंग कैसे करनी चाहिए और मॉडलिंग करने के लिए कहाँ कहाँ ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, अब आज उसका जिक्र करेंगे। मैं इसको 2 या 3 क्लासेस में लेके जाऊँगा मॉडलिंग को। तो पहले जो स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग, हम यहाँ से देखें लेफ्ट साइड में एक पैनल बना हुआ है जो आप उसको आप कहते हैं क्रिएट पैनल कहते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक सर्कल सा बना हुआ है, सर्कल के नीचे बना हुआ है स्टैंडर्ड प्रिमेटिव के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और यही ऑब्जेक्ट्स आपके काम आएंगे मॉडलिंग बनाने में, ठीक है। और यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, स्प्लाइंस के नाम से भी है, और उसके बाद फिर इसके बाद ये आपका लाइट का सेक्शन आ जाता है, फिर इसके बाद उसके बाद जो आ जाता है कैमरा सेक्शन आ जाता है, फिर इसके बाद ये डमी वगैरह जहाँ ये एनिमेशन वगैरह के लिए ज़्यादा काम आता है ये सारी चीज़ें, तो ये भी एनिमेशन के लिए हेल्प करती है सारी चीज़ें। तो आप हम चलते हैं हमारा जो हम क्योंकि हम ये काम जो हम जो काम 3D Max कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग वगैरह बिल्डिंग वगैरह के लिए, तो हम इस हवाले से ही टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसी में काम करेंगे। तो पहले हम आते हैं ज्योमेट्रिक में आ जाते हैं, और इसका पहला स्टैंडर्ड प्रिमेटिक के ही चंद टूल्स के ऊपर काम करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर दूसरी ऑप्शन में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स क्या काम करता है, टॉप व्यू में आ जाएँ आप, टॉप व्यू में आ जाएँ आप, यहाँ एक बॉक्स क्रिएट करें, ये आपने एक बॉक्स के लिए माउस के लेफ़्ट साइड को क्लिक करके लेके जाएं और जहाँ तक लेके जाना है वहाँ जाकर छोड़ दें, आपने वहाँ छोड़ दिया, और वहाँ जहाँ आप छोड़ेंगे उसके बाद फिर माउस को ऊपर करेंगे तो फिर आपकी हाइट भी साथ साथ बनेगी, अगर नहीं किया तो फिर आपके ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप इसके अभी आप देखना चाहते हैं कि ये क्या साइज़ है, क्या मीटर है, किस हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, तो यहाँ पर आप जाएंगे लेफ्ट साइड पे ऊपर मॉडिफाइड लिखा हुआ प्लस के बराबर में है मॉडिफाई, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अपने पैरामीटर्स खुल जाएंगे। जैसे इसके पैरामीटर खुलते हैं हम फ्रंट व्यू पर आपको दिखाते हैं कैसा ये लगता है, फ्रंट व्यू पर देखेंगे इस तरह आ रहा है, ठीक है। अच्छा फ्रंट व्यू में इतना आ रहा है, और मैं अगर चाहूँ तो आप देखें, मैं यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लास में दिखाई थी कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे सारे पॉइंट 0 में रखें, या फिर मैं 0 में कर देता हूँ, और ये देखें बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, क्या है कि आप यहाँ पर आप लेंथ देखें, मैं इसको प्रॉपर लेंथ देता हूँ 5 मीटर दे देता हूँ, और विड्थ दे देता हूँ 5 मीटर, विड्थ भी 5 मीटर दे दी, और हाइट दे देता हूँ 5 मीटर, हाइट दे देता हूँ 4 मीटर, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह बुलाता हूँ उसको, आप ये 5 मीटर बाय 5 मीटर 4 बन गया है, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी देखूँ कि ये किस तरह दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, तो इसमें ऑप्शन आता है F3 दबाएंगे तो ये वाई फ्रेम आ जाएगा, ये देखें ये वाई फ्रेम है, F3 हटा देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आ जाएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि आर पार मुझे दिखे कोई ऑब्जेक्ट तो उसको F3 कर दें, और F3 करेंगे तो ये वाई फ्रेम में आ जाएगा। अब वाई फ्रेम में करने के बाद इसको आप पर्सपेक्टिव पर ले आएँ, पी दबा दें पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखें ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। अब इसमें देखें लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट, तो यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई सेगमेंट नहीं दिख रहा, एक एक दिख रहा तो एक एक लाइन सेगमेंट वगैरह, आप जैसे इसको लेंथ में बढ़ाएंगे ये आपके 2 सेगमेंट बन गए, ठीक है। इसी तरह विड्थ का भी 2 सेगमेंट बन गए, इसी तरह हाइट के भी 2 सेगमेंट बन गए। अब आप फर्ज़ करें, मैं अभी फ़र्ज़ करें अभी एक का ही दिखाता हूँ, अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मेरे 4 सेगमेंट आ जाए, 4 सेगमेंट आ गए, देखें। और ये काम बहुत आएगा आपके आने वाले वक्त में, लेकिन अगर ज़्यादा सेगमेंट डालेंगे तो आपकी फाइल भी हैवी हो जाती है, ऑब्जेक्ट भी हैवी हो जाती है, जब आपका काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाएगा। इसी तरह सॉरी 4 कर दीजिए इसको, हम 4 कर दिया हमने। अब इसी तरह विड्थ की भी अगर सेगमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा दीजिए, ये आपका 4 इसको भी 4 कर दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह आप हाइट की भी बढ़ाना चाहते हैं हाइट की भी बढ़ा दें, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट तो बन गया है, एक ऑब्जेक्ट आपने ऐसे ही बनाया हुआ, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है, फर्ज करें आप ये चाह रहे हैं कि मेरे ये 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ से ऊपर निकल आए, तो इसका भी तरीक़ाकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करेगा यहाँ पर कन्वर्ट टू, अच्छा मैं आपको पहली चीज़ दिखा दूँ, यहाँ 3D Max में 4 चीज़ों का काम होता है, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट करना पड़ता है जब जाके वो उसकी मॉडलिंग बनती है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए
चार ऑप्शन, ये कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पेज है और कन्वर्ट टू नर्फ्स है। ठीक है, ये नर्फ्स का काम तो बहुत कम ही है हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा मैश या पॉली में काम करते हैं हम बेसिकली। तो मैं आपको भी मैश या पॉली में लेके जाऊँगा, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पॉली में काम करता हूँ, तो क्योंकि यार पॉली ही ईजी रहता है, मैश भी, दोनों तकरीबन इक्वल है, इतना खास फर्क नहीं दोनों में। ठीक है, तो अभी हम इसको कन्वर्ट टू पॉली करेंगे। जब आप कोई मॉडल को, कोई ऑब्जेक्ट को मॉडलिंग कर रहे होते हैं या चेंजिंग कर रहे होते हैं, शेप चेंज कर रहे होते हैं, तो आपको लाजमी कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ से करूँगा नहीं, पहले इसकी एक वजह बताऊँगा आपको क्यों नहीं करूँगा। मैं ये दो ऑप्शन को, दो ऑप्शन खोल रहा हूँ, दो ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। एक है ये, अब इसमें आप राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दें, या अभी हो गया पॉली आपका। ठीक है ना, वही सारे लाइन वगैरह दिख रहा है। अब जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ अलग ही इसका शेप हो जाएगा, अलग ही प्रॉपर्टी बन जाएगी इसके, मॉडिफाई सेक्शन अलग ही हो जाएगा, पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे। इसमें आता है डॉट वर्टेक्स जिसे कहते हैं, और ये होता है एजेस, इसको कहते हैं बॉर्डर, और इसको कहते हैं पॉलीगॉन, और इसको कहते हैं एलिमेंट। तो मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ सबसे आखिर वाले में से, सर डॉट में से ले जाता हूँ आपको। पहला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसको वन भी दबा सकते हैं, वन दबाएंगे तो ये डॉट का ऑप्शन खुल जाएगा, ये डॉट इस तरह आ जाएगी। ठीक है, डॉट वो होता है कि हर दूसरी लाइन, जो लाइन क्रॉस मिल रही होती है वहाँ एक अपना पॉइंट बना लेता है, जिसको हम कहते हैं डॉट। ठीक है, ये डॉट आ गया इसका, वर्टेक्स जिसे कहते हैं, वर्टेक्स जो हमें दो सेगमेंट की या दो लाइन कहीं पे जाके क्रॉस होने लगी है तो वहाँ एक अपना एक सेगमेंट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स बन गया। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये अब इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेलेक्ट भी हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरह आप ये आ जाए डॉट के बराबर में आ जाए एजिस, एजिस क्या काम करता है, ये आपकी लाइन्स होती है, ये सारी लाइन्स हैं आपकी एजिस, ये सारी लाइन्स हैं। ठीक है, और ये सारी लाइन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिस टाइप की भी उसको उसको एजिस में करेंगे तो एजिस दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखें एक और ऑप्शन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या काम करता है, बेसिकली ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, ये डब्बे जो बने हुए हैं, F3 करेंगे ना, मैं आपको दिखा भी दूँगा, ये डब्बे का जो साइज़ है ना वो एक पॉलीगॉन है, ये दो पॉलीगॉन है, थ्री पॉलीगॉन है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पॉलीगॉन आ गए। तो हम एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, ये देखा मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लिया, ये देखे मैंने पॉलीगॉन सिलेक्ट हो रहे मेरे। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह पॉलीगॉन कंट्रोल दबा के पॉलीगॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। और एलिमेंट क्या काम करता है, एलिमेंट मीन्स ये होता है कि पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, ये देखें, ये मैं एक क्लिक करूँगा ना तो पूरे सिलेक्ट कर लेगा। पॉलीगॉन क्या करेगा, एक बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, मैं एक हिस्से को करेगा। एलिमेंट क्या करेगा, जितना भी आपका पूरा ऑब्जेक्ट होगा ना उसे क्लिक करेगा। अब मैं इसको एक में क्लिक करूँगा, पूरा ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर लेगा। तो आज आप समझ गए होंगे चार पांच चीज़ें, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, और अपना पॉलीगॉन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, जाने से पहले भाई को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।